वेलकम टू माई चैनल सुल्तान व्लॉग टीवी। तो आज मैं दिल्ली के मालवा नगर के पास एक खिड़की गांव है। खिड़की गांव इसलिए मशहूर है क्योंकि वहां पे एक खिड़की मस्जिद है। तो उस मस्जिद के अंदर मैं आया हूं और उस मस्जिद को मैं दिखाऊंगा किस तरीके का है, अंदर बाहर दोनों तरफ से मैं दिखाऊंगा किस तरीके का। तो वीडियो में बने रहना, चैनल सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये एरिया दिखाऊँगा। ये जो एरिया मस्जिद के अंदर एंट्री करने का, ये चारों तरफ मस्जिद के चारों तरफ सेम इसी तरीके का बना रखा है ताकि एंट्री करें। मस्जिद के चारों तरफ से इस जगह एंट्री होती है। और इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि इस मस्जिद में हर जगह खिड़कियां बनाई हुई है। ये जो खिड़कियां हैं, इन्हीं खिड़कियों के कारण इस मस्जिद का नाम खिड़की मस्जिद रखा गया, क्योंकि इन खिड़कियों के कारण कई सारे लोग आते थे और देखते थे। कई सारी खिड़कियां हैं और देखते समय ये चारों तरफ इस खिड़कियां बहुत सारी है। तो हम अंदर जाएंगे और दिखाएंगे आप लोगों को कैसा है, किस तरीके का है। पहले हम इसके नीचे देखें क्या बना हुआ है। सबसे पहले मैं आया हूँ यहाँ से, ये तो एक रास्ता बन गया आने जाने का। नीचे से भी एक छोटा सा रास्ता दे रखा है। यहाँ आया हूँ भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है और अंदर काफ़ी सारी ऐसे। अब मैं उस जगह आ गया हूँ जहाँ सुरंग खुफिया रास्ता जा रहा है। उस रास्ते पे कुंडी लगा रखी, दरवाज़ा बंद कर रखा है। ये रहा वो रास्ता, अंदर कमरे भी बने हुए हैं। शायद कुंडी लग रही है, कुंडी खुल भी जाती होगी लेकिन मैं खोलूँगा नहीं। अंदर देख रहे हो एक सीक्रेट रूम भी है और इसके इधर भी रास्ता हो सकता है और इधर की तरफ भी रास्ता हो सकता है। इन दोनों तरफ रास्ता हो सकता है, इसलिए मैं भाई अंदर जा रहा नहीं हूँ, देख रहा नहीं हूँ कैसे किस तरीके का है भाई। इधर तो है, अब मैं दूसरी जगह से जा रहा हूँ नीचे की तरफ और इसके अंदर देखते हैं क्या है रास्ता। ओ, ये मेरे ऊपर जो है ना, ये पूरी खिड़की मस्जिद का एंट्री का गेट यहाँ से है। इधर से इधर एंट्री होती है, लेकिन पहले मैं नीचे देख लूँ कैसे है और किस तरीके की है। मैं अभी यहाँ से एंट्री करता हूँ। इधर की तरफ तो बंद है लेकिन इधर की तरफ भाई अंधेरा आ रहा है, काफ़ी अंधेरा। फैजान भाई आ जा यार, अंधेरे में डर वर लग रहा है मेरे को। तेरा पूरा अंधेरा है, फ़ोन में थोड़ा रोशनी दिख रहा लेकिन अंधेरा भरा हुआ है। आ जा, तो अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ, कैसा है किस तरीके का है। और एक खुफिया रास्ता और घर अंदर कमरा, तीन रास्ते उस साइड को नहीं है। अंदर रास्ता जा रहा है लेकिन कोने होने में भी जा रहा होगा रास्ता ये पूरा। अब मैं इसके आगे की तरफ जा रहा हूँ, दूसरे गेट की तरफ। गेट तो खुल रहा है ना, अंदर नहीं जाना, गेट खुल रहा है, अंदर नहीं जाना मेरे, अंदर नहीं जाना यार, क्या पता कुछ हो, सांप कीड़ा हो। गाड़ी की बात मान लेते भाई, अंदर जाने के लिए तो अभी मना करा है, बाकी दूसरी तरफ जाके देखूंगा कैसा किस तरीके से। मैं इसके यहाँ से चल रहा था और मुझे दिखा ये एक बड़ा सा पत्थर। अब मेरे हिसाब से इस पत्थर का शायद बहुत पुराना लग रहा है मेरे को तो काफ़ी पुराना लग रहा है देखने में। अगर किसी को पता है इसका क्या काम होता, शायद ये चक्की है। चक्की के जो पत्थर होते हैं, चक्की के जो पत्थर होते हैं ना, वो ऐसे गोल होते हैं, एक के ऊपर एक होते हैं, मेरे को तो वही लग रहा है। लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते हैं, हमें अंदर जाना, अंदर दिखाऊँगा मैं किस तरीके का। भाई ये है मस्जिद के पीछे वाले हिस्से पे आ गया हूँ मैं और अभी तक तो कुछ दिखा नहीं ऐसा ख़ास चीज़ मेरे को अंदर। बाकी अंदर जाके हम देखेंगे कैसा है किस तरीके का है। इस मस्जिद वाले इलाके में ना मैं तीसरी बार आ गया हूँ मैं। मेरे को मस्जिद के अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि काम चल रहा है मस्जिद में। अभी फिर दोबारा जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। खिड़की मस्जिद का फ्रंट गेट आप एंट्री करोगे ना तो ये खिड़की मस्जिद का पहला गेट आएगा, तो कि ये रहा। और इसमें खिड़की देख रहे हो, इधर भी सेम है, उधर भी सेम है। एंट्री करने के तीन गेट हैं, मुझे लगा कि चार गेट है लेकिन इस एंट्री करने का तीन गेट है, जो कि मैंने जाके खुद देखा आँखों से। किसी ने कहा चार गेट है तो मैंने उसकी बात मानी, लेकिन मैंने देखा एंट्री करने के तीन गेट हैं। और इन तीनों गेट में से जो कि एक ही गेट खुला रहता है क्योंकि फ्रंट गेट है आगे का, तो ये वो फ्रंट गेट है। बाकी मैं जाता हूँ दिखाता हूँ कैसा है। ये रहा वो जगह, ये खिड़की मस्जिद के अंदर का ये व्यू है। भाई मैं आया तो था यार खिड़की मस्जिद, लेकिन यहाँ पे चल रहा है काम और खूबसूरत बनाने का खिड़की मस्जिद को। काफ़ी सारी चीज़ें पुरानी हो गई है, उसको रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए अंदर जाना मना कर दिया।
अंदर जाना मना कर दिया। पता नहीं यहाँ पे आने की मेरे पास क्या चुल मच रही है यहीं आने की। मैं 3 बार आ गया यहाँ, लेकिन 3 बार में से मेरा काम नहीं बना। लेकिन अब आऊँगा, कम से कम 1 साल बाद आऊँगा यहाँ, 1 साल बाद आऊँगा, तब देखूँगा अंदर क्या है। क्योंकि यार यहाँ आ गया मैं 2-3 बार, मैंने देखा ही नहीं अंदर से कैसा है, किस तरीके का है। बार बना कर यहाँ हो रहा है काम, देखो मैं दिखाता हूँ काम क्या हो रहा है। ये पड़े बदरपुर, ये सारा बदरपुर, ये सारा काम हो रहा है इसको अच्छा बनाने का। हीरो काफ़ी प्यारी, कितनी प्यारी मस्जिद, और अंदर से ताला कर रखा है बंद, इसलिए मैं अंदर का दिखा नहीं सकता कैसा है, क्योंकि तो अंदर भी चल रहा है काम, काम चल रहा है काफ़ी सारा। तो अंदर कुछ इस तरीके का व्यू है, आगे जाके सामने ताला लगा हुआ है, ताला लग रहा है, इसलिए मैं जा नहीं पाया अंदर। कोई बात नहीं यार, होएगा सब कुछ अच्छा। अब मैं आप लोगों को इस जगह की हिस्ट्री बताऊंगा, किसने बनाई ये मस्जिद और कब बनाई, कब तक इस पर क्या हुआ, सब चीज़ पे मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा, तो आप लोग समझे। थोड़ी सी जगह देखने में यार, कहाँ पे बैठ के ये बताऊँ, ऊपर चढ़ के देखते हैं इसकी सीढ़ियों पे। चाहता हूँ अभी ऊपर और बैठूँगा और आराम से बताऊँगा। वो बंदा गया बोल रहा है भूत है नहीं। मैं अभी ये देखो, पहले उस गेट पे खड़ा था मैं, अब इस गेट पे आ गया हूँ। इस गेट से देख रहा हूँ वहाँ का दिख रहा पूरा साफ साफ। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जगह किसने बनाई, कब बनाई और किस समय बनाई। फिरोज शाह तुगलक के जो प्रधानमंत्री थे ना, खान ए जहान, जिन्हें जुनैन खान नाम से भी जाना जाता, उन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी। और इस मस्जिद का निर्माण 1380 में हुआ था, उनके द्वारा ये मस्जिद बनाई गई। काफ़ी समय तक इसमें मस्जिद को बनाए रखा, और अंदर तो भाई अभी तक तो शायद खंडर सा लग रहा है। और साथ ही इस मस्जिद के अंदर जो खूबसूरत खिड़कियाँ बनी हुई है ना, उन खिड़कियों को देखते हुए इस मस्जिद का नाम खिड़की मस्जिद रख दिया गया। तो जब से इस मस्जिद को का नाम खिड़की मस्जिद लग गया, और खिड़कियाँ काफ़ी सारी इसके अंदर है, काफ़ी खूबसूरत है, बाहर से मैंने दिखाई है वीडियो में, तो अभी एक बार और दिखाता हूँ खिड़कियाँ। ये भैया इन खिड़कियों को देखते हुए इसका नाम खिड़की मस्जिद रख दिया गया। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना भाई। मैं तो ऐसे ही आ गया वीडियो बनाने के लिए, अंदर जाने नहीं दिया, काफ़ी मूड ख़राब हो गया। उन्हीं अगली वीडियो में मिलूँगा मैं, सपोर्ट करो।